full emotional, guys. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं व्यूज रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ शुएब हाशिम फ्रॉम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। एंड आई एम रेडी, सॉरी जो सेशन आ रही हैं, मैं बहुत जल्द उन सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बस थोड़ा सा वेट कर लिया करें, मैं जल्दी से देखने वाला हूँ। बिकॉज आज का थोड़ा ट्रेंडिंग में है शादी, और शादी किसकी? सबा की शादी। तो मैं चाहता था कि शादी देखी जाए, बिकॉज़ हम और तो लोग देखते ही रहते थे, तो शादी क्यों ना देखें जिसे सब देख रहे हैं। तो आज है निकाह का दिन, और लाइक एक वीडियो पोस्ट हुई है शुएब इब्राहिम के चैनल पर, लेट्स गो एंड वॉच कि निकाह कैसा रहा सबा की शादी का। चलिए जी। ऐसा ही होता है गाइस शादियों में, यहाँ से आवाज वहाँ से आवाज। Okay.
आगे चलो घुमा दे। Yeah.
किसने किया? सब आजाद उड़ लिया आज मेरी पोटलियां आज मेरी पोटली बन रही है सबसे ज्यादा तो इन्होंने किया है ये पांच लड़के सच में गाइस मेरी सोच है ठीक चल रहे हैं हर दूल्हे का यही हार होता है चाहे सर्दी है गर्मी हो Thank you.
सब अब मुझे गुस्से में लग रही है। एक्चुअली सारे लोग इतने ज्यादा होंगे ना तो कैसे मेरा स्माइल करें। बहुत इमोशनल है यहाँ पर। Yeah.
ऑलराइट गाइस, बहुत अमेजिंग व्लॉग था। सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए घर वाले सारे, मैं भी हो गया था एक्चुअली। एंड ये देखने के बाद जब मैं देख रहा था तो मुझे दो दो फीलिंग्स, मिक्स फीलिंग्स आ रही थी। एक तो मुझे मेरा अपना निकाह याद आ रहा था। अच्छा, मेरा निकाह अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हैं क्रैंकी शुएब पर। आप मेरी वेडिंग के प्लेलिस्ट में जाइए या वहाँ पर जाकर लिखिए शुएब का निकाह, तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो हाईलाइट्स बनाए थे वो मैंने शुएब के निकाह की वीडियो देखकर ही बनाए थे हाईलाइट्स, और खुद एडिट किए थे, तो उससे कुछ मिलता जुलता होगा। एंड बड़ा ही मज़ा आएगा आपको देखकर। तो वो मुझे वो याद आ रहा था। एंड जब मैंने रुखसती देखी तब मुझे मेरी बहन याद आ रही थी, बिकॉज ये टाइम जो है ना इतना इमोशनल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक 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 जो टाइम, अच्छा इतना 20-25 साल का जो टाइम गुजरा होता है आपके साथ, आपके फैमिली मेम्बर का, एंड वो आपसे दूर हो रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है दुख तो होगा, रोना तो आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ स्टार्ट होने वाली है सबा की। एंड अल्लाह उन्हें ऐसे ही खुश रखे, कामयाब करे, एंड उन्हें उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ नसीब करे और वो एक अच्छा कपल बन के रहें। तो यही दुआ है मेरी और आप सबकी भी, ऑफकोर्स यही दुआ ही होगी। एंड गाइज, मैं सोच रहा था कि शादियों में सीरियसली हम लोग जो मूवीज़ में देखते हैं ना, ऐसा कभी नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना। मैं शुएब की हालत देख रहा था तो मुझे आइडिया हो रहा था कि क्या क्या होता है। एंड जब मैंने सनी को देखा, खालिद को, तो मुझे मेरा टाइम याद आ रहा था। एक दूल्हा जो है ना, जब बैठा होता है ना, तो दूल्हे को कुछ समझ नहीं आ रही होती, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, आपको स्वेटिंग लाजमी होती है टेंशन से। तो बड़ा ही अच्छा लगा। एंड माँ जी, पेरेंट्स एंड सब इमोशनल तो हो रहे थे, बिकॉज एक टाइम गुजारे है बेटी, 20 से 25 साल गुजार के जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ, तो दुख क्यों ना हो। और
अच्छा जी, थोड़ा टाइम ये दुख रहेगा, उसके बाद जब वो खुश खुश देखेंगे अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को, तो फिर वो बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। तो गाइस मज़ा आया देखकर आपको, और जो जो देखने मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने ये फर्स्ट वीडियो देखी है सबा की शादी की। तो कौन सा इवेंट मुझे देखना चाहिए और किस चैनल पर, बिकॉज 3 चैनल हैं, दीपिका की दुनिया, शुएब इब्राहिम एंड सबा का जहां, तो मुझे किस चैनल पर कौन सी वीडियो देखनी चाहिए ये आपने मुझे सजेस्ट करना है, मैं ज़रूर उस पर रिएक्शन दूंगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए एंड मेरे ब्लॉग जरूर देखा करें, जाइए क्रैंकी शुएब पर, आपको मजा आएगा देखकर मेरे ब्लॉग्स। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।